hello students good day to you i hope you are doing well in this video we are here to study lesson 3.2 which is the second lesson of 7 standards english subject so students open your english textbook to page number 58 the name of the lesson is compare a program let's begin before that you all should know that this lesson compare a program it is a chapter here for you all to know how you should compare or host officially stage events in school or at other places okay let's start getting ready for the program good morning friends it is a pleasure for me to welcome you all to this festive occasion please take your seats may i request you to keep your mobile switched off or in silent mode let us ring into the merry mood of youthful creative expressions and forget our preoccupations and ringtones for the time being अब स्टार्ट होने से पहले कंपेयर हमें इवेंट के लिए प्रिपेयर कर रही है एंड कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही है फर्स्ट ऑफ ऑल वो सब अटेंडीज जो भी अटेंड कर रहे हैं वो प्रोग्राम को गुड मॉर्निंग विश कर रही है एंड कह रही है उसके लिए एक खुशी की बात है प्लेजर मीन्स अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एक खुशी की बात है सब अटेंडीज को इस इवेंट में वेलकम करने का इस फेस्टिव ओकेजन में फेस्टिव ओकेजन क्या है वेन यू सेलिब्रेट स्पेशल तो इस स्पेशल ओकेजन पर वो सबको वेलकम कर रही है प्लीज टेक योर सीट्स आप सब अपने अपने सीट्स पर कंफर्टेबली बैठ जाओ देन शी इज रिक्वेस्टिंग एवरी वन टू इधर स्विच ऑफ द मोबाइल फोन्स या फिर उन्हें साइलेंट पर रख दें चलो हम सब इस खुशी के मूड में खुद को सराउंड कर लेते हैं ऑफ यूथफुल क्रिएटिव एक्सप्रेशन नाउ रिंग मीन्स टू सराउंड मेरी मूड मीन्स हैप्पी एंड चेयरफुल मूड एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन मीन्स टू यूज आर माइंड टू क्रिएट समथिंग एंड सब लोग अपने प्री ऑक्युपेशन को भूल जाओ जो भी डिस्ट्रैक्शन है उससे फ्री हो जाओ एंड इवेंट पर ध्यान दो प्री ऑक्युपेश मीन्स बींग एंगेज इन समथिंग तो अपने सारे काम काज को छोड़ करके इवेंट पर ध्यान दे दो अराइवल ऑफ द डिग्निटरीज आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट द यू ऑल टू बी सीटेड आई रिक्वेस्ट अवर हेड गर्ल मिस शुभदा मुरारका टू एस्कोट द डिग्निटरीज टू द डायस अराइवल ऑफ़ द डिग्निटरीज डिग्निटरीज कौन होते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन ड्यू टू द रैंक और ऑफिस ऐसे लोग जो बड़े होते हैं अपने अहदे में वो लोग आ चुके हैं तो कंपेयर कह रही है मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि हमारी डिग्निटरीज इवेंट में आ चुके हैं आप सभी अपने अपने सीट्स पर बैठ जाइए मैं हेड गर्ल मिस शुभदा मुरारका को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो डिग्निटरीज को डायस तक लेकर जाए अब एस्कॉट का मीनिंग क्या है टू अ कंपनी सम वन समवेयर एंड डाइस का मीनिंग रेस्ड स्पीकर कैन स्टैंड ऑन वाइल स्पीकिंग तो वो मिस शुभदा मुरारका जो कि हेड गर्ल है उसे रिक्वेस्ट कर रही है कि जो डिग्नेटरीज अराइव किए हैं प्रोग्राम में उसे डायस तक का लेकर आ जाए कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑफ टूडेज फंक्शन एंड एन आर्टिस्ट ऑफ ग्रेट रिनाव Shri Charudatta Diwan President of Balanand Education Society Shri Avadhoot Patak, our principal Dr Ajinkya Parakhi Vice Principal Dr Shaila Singh all our invited guests parents teachers and my dear friends on behalf of Balanand Vidyalaya I extend a hearty welcome to you all We have gathered here for the inauguration of our school art festival कमेंसमेंट मीन्स बिगनिंग ऑफ समथिंग तो ये प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑफ टूडेज फंक्शन एंड एन आर्टिस्ट ऑफ ग्रेट रिनाउन श्री चारू दत्ता दीवान आज के फंक्शन के चीफ गेस्ट जो बहुत जाने माने रिनाउन मीन्स फेमस्ड उनका नाम क्या है श्री चारू दत्ता दीवान प्रेजिडेंट ऑफ बालान एजुकेशन सोसाइटी कौन है श्री अवधूत पाठक अब प्रिंसिपल डॉक्टर अजिंक्या परखी वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शाइला सिंह ऑल आवर इन्वाइटेड गेस्ट्स, पेरेंट्स टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स जो भी इन्वाइटेड गेस्ट्स है पेरेंट्स टीचर्स और मेरे लवली स्कूल मेट्स बालानंद विद्यालय के बिहाफ पर मैं आप सभी को दिल से वेलकम करती हूँ ये इवेंट में ये प्रोग्राम में हम सब गैदर हुए हैं स्कूल आर्ट फेस्टिवल के इनाग्रेशन में इनोग्रेशन मीन्स स्टार्ट और बिगनिंग ऑफ समथिंग तो ये स्कूल आर्ट फेस्टिवल का इनोग्रेशन है जिसके लिए प्रोग्राम रखा गया है लाइटिंग द लैम्प लेट एस बिगिन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन विद सिंबॉलिक ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द ऑनरेबल द डाइस टू काइंडली लाइट द ट्रेडिशनल लैम्प एंड ऑफर प्रेयर्स चलो हम सब इस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑस्पिशियस मीन फेवरेबल तो इस फेवरेबल ओकेजन की शुरुआत कुछ नॉलेज और लर्निंग की चीज़ से करते हैं सिम्बॉलिक मीन्स रिप्रेजेंटिंग समथिंग तो ऐसी चीज़ जो नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही है उस चीज़ से हम आज की इस ऑस्पिशियस ओकेजन की शुरुआत करते हैं इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सारे ऑनरेबल मेंबर्स जो कि डिग्नेटरीज हैं उनको डाइस पर आने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ किस लिए ट्रेडिशनल लैम्प को जलाने के लिए एंड प्रेयर्स करने के लिए फ्रेंड्स Look at the amazing quality of this lamp. When lit, not only does it carry the tremendous potential to break the darkness of the night, but also leaves way for a thousand other lamps to be lit from its flames. Likened to the lamp is knowledge. Knowledge too spreads light. It neither divides nor subtracts, it only adds and multiplies. कंपेयर कह रही है दोस्तों देखो ये लैम्प की सरप्राइजिंग क्वालिटी क्या है अमेजिंग मीन्स सरप्राइजिंग तो इसकी सरप्राइजिंग क्वालिटी क्या है जब जलती है ये लैम्प तो ना ही सिर्फ ये इतने गहरे डार्कनेस को ख़त्म कर देती है अब ट्रेमेंडिस मीन्स इन ग्रेट अमाउंट ज़्यादा गहरा या ज़्यादा अमाउंट में पोटेंशियल मीन्स ऐसी चीज़ जो तो फ्यूचर में बदलने की कैपेसिटी रखती है तो ये लाइट इतनी ट्रेमेंडिस पोटेंशियल इतनी कैपेसिटी रखती है कि वो इतने गहरे डार्कनेस को भी ख़त्म कर देती है पर यह अपनी आग से हजारों लैंप्स को और जला सकती है तो नॉलेज भी लैंप के तरह है जैसे नॉलेज अपने आग से हजारों लैंप्स को और जला सकती है तो एक टीचर हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ा करके उन्हें काबिल बना सकते हैं तो इसीलिए नॉलेज भी लैंप के तरह है और ये चीज सिर्फ ऐड या मल्टीप्लाई मतलब ये इंक्रीज हो सकती है कभी डिक्रीज नहीं हो सकती है तो इसलिए उसने ऑपरेशन यूज किया है एड एंड मल्टीप्लाई जो चीज इंक्रीज होती है ना कि सब और डिवाइड होती है सब एंड डिवाइड चीजों को कम कर देता है वेरेस एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन चीजों को ज्यादा कर देता है तो वो उसी से कंपेयर कर रहा है मिस अनगा भाटिया ऑफ स्टैंडर्ड अ ग्रुप विल नाउ सिंग द स्कूल सॉन्ग अब स्टैंडर्ड की मिस अनगा अपने ग्रुप के साथ स्कूल सॉन्ग सिंग करेगी अब मिस अनगा के सॉन्ग के बाद वेलकम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द गेस्ट का पार्ट आया है सब गेस्ट का इंट्रोडक्शन देना है इसमें अतिथि देवो भावा अतिथि देवो भवा मीन्स मेहमान भगवान समान होता है इंडियन कल्चर में ये माना जाता है अवर इंडियन कल्चर रिगार्ड्स गेस्ट एज गॉड्स लेट इस वेलकम एंड ऑनर आवर डिस्टिंग्विस्ड गेस्ट हम सब अपने डिस्टिंग्विश्ड डिस्टिंग्विश्ड मीन्स सक्सेसफुल सक्सेसफुल गेस्ट्स को वेलकम करते हैं ये एक एग्जेक्टिव यूज किया है डिग्निट्रीज को डिस्क्राइब करने के लिए उनकी रिस्पेक्ट देने के लिए उन्हें अच्छा बताने के लिए इट इज इंडीड अव प्राउड प्रिविलेज टू हैव अमिट्स एज अ वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर रिनाउमड आर्टिस्ट अ पेंटर ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूटे एंड प्राउड रेसिपेंट ऑफ मेनी प्रेस्टीजियस अवार्ड्स प्रेजिडेंट ऑफ काला रंजन अकेडमी श्री चारू दीवान, आई वुड रिक्वेस्ट अवर प्रिंसिपल टू वेलकम हिम ऑफरिंग अ टोकन ऑफ लव एंड ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट्स, वी आर ऑफरिंग बुक्स बिकॉज फ्लावर्स माइ पेरिश बट बुक्स कैन स्टे फॉर एवर ये इंडियड एक प्राउड मौका है अपने बीच में एक एमिनेंट पर्सनालिटी के होने का एमिनेंट मीन्स इंपॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के होने का आर्ट एंड कल्चर फील्ड से फेमस आर्टिस्ट अ पेंटर ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूटे एंड प्राउड रेसीपेंट ऑफ मेनी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स प्रेजिडेंट ऑफ काला रंजन अकेडमी श्री चारू दत्ता दीवान जो इंटरनेशनल रेप्यूटेशन रखते हैं एंड जिन्हें बहुत सारे रिस्पेक्टफुल एंड एडमायर्ड अवार्ड्स मिल चुके हैं प्रेस्टिजियस का मीनिंग होता है वेरी रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड तो प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जिन्हें मिल चुका है एंड जो काला रंजन अकेडमी के प्रेसिडेंट भी है कौन है आज के चीफ गेस्ट श्री चारुदत्ता दीवान अब कंपेयर कह रही है कि मैं प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करती हूँ कि श्री चारुदत्ता जी का वेलकम करे एक तोहफा देकर तोहफा क्या है बुक्स है ना कि फ्लावर्स है बुक्स कौन सी है चेरिश लाइफ ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट की दो वॉल्यूम्स तो उन्होंने फ्लावर्स से स्वागत नहीं किया उन्होंने दो बुक्स दिए किस सोच रखते हुए कि कुछ टाइम बाद तो फ्लावर्स मुरझा मर जाएंगे बट बुक्स हमेशा रहेगी तो ये सोच के साथ उन्होंने फ्लावर्स नहीं दिए बल्कि बुक्स से स्वागत किया चीफ गेस्ट का अब वेलकमिंग होने के बाद कंपेयर कह रही है थैंक यू सर आई वुड नाउ रिक्वेस्ट द कन्वेनर ऑफ दिस आर्ट फेस्टिवल अवर आर्ट टीचर रिस्पेक्टेड मिस शिल्पा संघानी टू वेलकम बीकन ऑफ आई इंस्टीट्यूशन द प्रेजिडेंट ऑफ बालानंद अकेडमी मिस्टर अवधूत पाठक अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस आर्ट फेस्टिवल के कन्वेनर से अब कन्वेनर कौन होते हैं अ पर्सन हु कॉल्स पीपल टुगेदर फॉर मीटिंग्स तो कन्वेनर जो प्रोग्राम अरेंज किया है और लोगों को बुलाया है उसे कन्वेनर बोलेंगे अब ये कन्वेनर कौन थी आर्ट टीचर थी रिस्पेक्टेड मिस शिल्पा संघानी तो वो कह रही है कि आई वुड लाइक टू कॉल टू वेलकम बीकन इस इंस्टीट्यूशन के बीकन सपोर्ट या पिलर कौन है मिस्टर अवधूत पाठक जो कि बालानंद एकेडमी के प्रेसिडेंट भी हैं अब मिस्टर अवधूत पाठक के वेलकमिंग के बाद आई वुड नाउ रिक्वेस्ट आवर स्कूल कैप्टन एंड कल्चरल इंचार्ज मिस शुभदा मुरारका टू वेलकम आवर एवर इंस्पायरिंग डायनामिक प्रिंसिपल डॉक्टर अजिंक्या परखी सर अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्कूल कैप्टन एंड कल्चरल इंचार्ज कौन मिस शुभदा मुरारका को अपने इंस्पायरिंग एंड एनर्जेटिक प्रिंसिपल को वेलकम करने के लिए प्रिंसिपल कौन है डॉक्टर अजिंक्य परखी सर अब प्रिंसिपल सर के वेलकमिंग के बाद अब एंथुजियास्टिक वाइस प्रिंसिपल विल बी वेलकम्ड बाय मिस अनघा भाटिया हमारे वाइस प्रिंसिपल को कौन वेलकम करेगा मिस अनगा भाटिया वेलकम करेंगी इनका थैंक यू डियर अनगा इसके बाद इंट्रोडक्टरी स्पीच to appraise you about the art festival, I request the principal, respected dr Ajinkya parakhi to deliver his introductory speech. introductory speech, मेन इवेंट को इंट्रोड्यूस करने वाली जो स्पीच होती है उसे इंट्रोडक्टरी स्पीच बोलते हैं कंपेयर कह रही है इस आर्ट फेस्टिवल के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल डॉक्टर Ajinkya परीखी को उनके इंट्रोडक्टरी स्पीच के लिए बुलाती हूँ अब प्रिंसिपल की इंट्रोडक्ट्री स्पीच के बाद बुक रिलीज फ्रेंड्स वी हैव प्रिपेयर्ड योर अ कंप्राइज़िंग फोटोग्राफ्स ब्यूटिफुल एंड यूनिकीसीड टूडे इन दम दे आर द आर्टिस्टिक एंड स्किलफुल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अवर स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट द चीफ गेस्ट to release this special book on this occasion एंड formally inaugurate the art festival फ्रेंड्स हम प्रिपेयर किए हैं एक बुक वॉल्यूम मीन्स अ बुक कंप्राइजिंग कम्प्राइजिंग मीन्स कंसिस्ट ऑफ तो दोस्तों हमने एक बुक प्रिपेयर किया है जिसके अंदर फोटोग्राफ्स है सारे ब्यूटिफुल एंड यूनिक आर्ट पीसेस के जो कि इस ऑडिटोरियम में आज डिस्प्ले हुई है वो सब क्रिएटिव और स्किलफुल कॉन्ट्रीब्यूशनस है हमारे स्टूडेंट्स की आर्टिस्टिक मीन्स क्रिएटिव स्किलफुल मीन्स ऐसी चीज़ें जो बहुत स्किल्स दिखाती है दर्शाती है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी चीफ गेस्ट को ये स्पेशल बुक रिलीज करने के लिए इस ओकेजन पर एंड फॉर्मली इस आर्ट फेस्टिवल को इनाग्रेट करने के लिए आई नो दिस हैज अराउस्ड क्यूरियोसिटी इन यू टू सी द एग्जिबिशन आफ्टर दिस प्रोग्राम यू कैन टेक दैट प्लेजर मुझे पता है कि आप सबके अंदर क्यूरियोसिटी आ गई है मीन्स डिजायर टू नो समथिंग क्यूरियोसिटी का मीनिंग क्या है डिजायर टू नो समथिंग तो आप सबको एग्जीबिशन देखने का मन कर रहा है उत्सुकता है देखने की तो आप सब प्रोग्राम के बाद देख सकते हैं कल्चरल प्रोग्राम आई नो यू ऑल आर ईगली वेटिंग टू लिसन टू द जेम्स ऑफ म्यूजिक फ्रॉम आव स्कूल वी नाउ इन्वाइट दिस टैलेंटेड बैंड ऑफ टू डिस्प्ले द टैलेंट वी प्राउडली प्रेजेंट द ताल कचेरी मुझे पता है कि आप सब ईगली ईगली मीन्स इम्पेश वेट कर रहे हो हमारे स्कूल के म्यूजिक सुनने के लिए अब हम इन्वाइट करते हैं टैलेंटेड बैंड ऑफ म्यूजिशियंस को अपना म्यूजिक का टैलेंट दिखाने के लिए हम प्रेजेंट करते हैं ताल कचेरी इसके बाद साहिल ऑफ स्टैंडर्ड टेंथ ए विल गिव अ वोकल रेडिशन एट द सेम पीस विल भी डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लेट्स एंजॉय द ताल कचेरी साहिल जो कि स्टैंडर्ड टेंथ ए का स्टूडेंट है वो वॉइस परफॉर्मेंस देगा एंड सेम चीज बाकी के लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स में प्ले करेंगे सब लोग ताल कचेरी एन्जॉय करो तो ये जो इन लोग कर रहे हैं परफॉर्मेंस इसे ही ताल कचेरी कहते हैं वर्षा ऑन मृदंगम विवेक ऑन ढोलक जुबीन तबला एंड गोविंद ऑन घतम अब इनके ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस के बाद कंपेयर कह रही है लेट हैव अ बिग राउंड ऑफ अज फॉर द एक्सिलेंट डेमोन्स्ट्रेशन सब लोग के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए उनके लिए क्लैप करो नाउ डिफरेंट स्टेट्स डिस्प्ले द यूनिक आइडेंटिटी थ्रू द रिस्पेक्टिव कल्चर स्टैंडर्ड विल नाउ गिव अ ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन ऑफ द फेमस कोली डांस फ्रॉम महाराष्ट्र अलग अलग स्टेट्स अपनी यूनिक यानी खास आइडेंटिटी दिखाते हैं अपने कल्चर से तो स्टैंडर्ड सी अभी ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस करेगी महाराष्ट्र के फेमस कोली डांस पे परफॉर्मेंस के बाद अ ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन कितना शानदार परफॉर्मेंस था ये नाउ अ लाइट कॉमेडी प्ले विल बी प्रेजेंटेड बाई स्टैंडर्ड नाइन्थ सी आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट स्टैंडर्ड नाइन्थ आर्टिस्ट टू परफॉर्म प्ले द बॉय कम्स होम बाई ए अब एक कॉमेडी प्ले स्टैंडर्ड नाइन्थ सी के स्टूडेंट्स करेंगे तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी स्टैंडर्ड नाइन्थ के परफॉर्मेंस को अपना प्ले परफॉर्म करने के लिए द बॉय कम्स होम बाय ए मिलने परफॉर्मेंस के बाद दैट वॉज इंडीड अ फेंटेस्टिक परफॉर्मेंस ये एक बेहतरीन परफॉर्मेंस थी अब आता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का वक्त है यू ऑल आर ईगली वेटिंग फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन There are butterflies in your stomachs. You will soon be relieved of your anxiety. Everyone is unique in his or her potential. All are talented, yes, but some do perform better, and the talent needs to be appreciated. I would now invite the chief guest to declare the prize winners and give away the prizes for the different categories of art. Thank you, sir. आप सब इम्पेशेंटली वेट कर रहे हैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का आप सब एक्साइटेड एंड नर्वस हो आप सब जल्द ही इस फीलिंग से मुक्त हो जाओगे फ्री हो जाओगे सब यूनिक होते हैं अपने पोटेंशियल में सब टैलेंटेड भी होते हैं लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो अच्छा परफॉर्म करने की वजह से उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए रिकॉग्नाइज करना चाहिए अब मैं चीफ गेस्ट को इनवाइट करना चाहूँगी विनर्स अनाउंस करने के लिए एंड अलग अलग आर्ट के कैटेगरीज के विनर्स को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थैंक यू सर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एड्रेस बाय द चीफ गेस्ट आई वुड नाउ रिक्वेस्ट अवर इलास्ट्रेस चीफ गेस्ट टू एड्रेस द ऑडियंस अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अपने चीफ गेस्ट को इलास्ट्रेस्ट चीफ गेस्ट मीन्स वेल नोन रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड फॉर पास्ट अचीवमेंट्स तो ऐसे चीफ गेस्ट जो वेल well नोन है रिस्पेक्टेड है और अपने पास्ट अचीवमेंट जो भी उन्होंने पास्ट में हासिल किया है उसके लिए जाने जाते हैं तो इस चीफ गेस्ट को मैं ऑडियंस को स्पीच डिलीवर करने के लिए इनवाइट करती हूँ रिक्वेस्ट करती हूँ बुलाती हूँ चीफ गेस्ट के स्पीच डिलीवर करने के बाद थैंक यू सर योर स्पीच हैज गिवन अस वंडरफुल इंसाइट्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर वी आर इमेंसली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर इन्वेलेबल वर्ड्स ऑफ एनलाइटनमेंट थैंक यू सर आपकी स्पीच ने हमें बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के हम बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं आपके यूजफुल वर्ड्स के हमें समझाने के लिए वोट ऑफ थैंक्स बिफोर वी ड्रॉ द कर्टेन, आई टेक द अपरचुनिटी टू थैंक ऑल दोस्ट लेट अल्पिंग हैंड टू मेक दिस आर्ट फेस्टिवल मीनिंगफुल and for the formal vote of thanks i invite the convener of this program our art teacher miss shilpa sanghani ab last hai vote of thanks event end hone wala hai and sab dignitaries ko officially thanks bolna hai compare keh rahi hai isse pehle ki event kare, ye event khatam kare मैं सबको thanks बोलना चाहूंगी जिन्होंने भी ये art festival में अपनी छोटा सी छोटा contribution भी किया हो तो उन्हें मैं thanks बोलना चाहती हूँ एंड फॉर्मल वोर्ड ऑफ थैंक्स के लिए मैं इस प्रोग्राम के कन्वीनर अपनी आर्ट टीचर मिस शिल्पा संघानी को इनवाइट करना चाहूंगी इसी के साथ ये प्रोग्राम एंड होता है एंड ये चैप्टर भी आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है बेसिकली ये चैप्टर में आपने क्या समझा कंपेयर अ प्रोग्राम अब कंपेयर कौन होते हैं कंपेयर ऐसे पर्सन होते हैं जो हमें इवेंट के बारे में इंस्ट्रक्शन देते हैं इवेंट में क्या क्या होने वाला है उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं हमें प्रोग्राम का सीक्वेंस एक के बाद एक राइटली बताते हैं अब जैसे कि हमने चैप्टर में देखा प्रोग्राम के पहले क्या करना चाहिए प्रोग्राम अभी स्टार्ट होने वाला है डिग्नेटरीज आने वाले हैं फिर प्रोग्राम के पहले हमें क्या करना है बीच में क्या करना है इंट्रोडक्शन देना है वेलकम करना है गेस्ट का किस तरह से प्लांड सीक्वेंस होता है जो हमें कम एक पर्सन बताता है तो उसे हम कंपेयर बोलते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है एक प्रोग्राम में जिसके बिना हम लोग प्रोग्राम को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे आप अगर रियलिटी शोज भी देखते रहेंगे तो उस पर भी आप देखते रहेंगे कि एक होस्ट या एक कंपेयर या एक एंकर तो ज़रूर ही रहता है जो आपको एक के बाद एक चीज़ों को बताता है ताकि आप वो चीज़ को अच्छे से समझ सकें तो बच्चों आपको सिखाने के लिए ही ये चैप्टर रखा गया है क्योंकि आप स्टैंडर्ड सेवेंथ में आ गए हैं आप अभी थोड़े बड़े ही हो गए हैं तो स्टूडेंट्स आप अपने स्कूल फंक्शंस में भी देखे रहेंगे एनुअल डे पे रिपब्लिक डे पे टीचर्स डे सेलिब्रेशन कितने भी सेलिब्रेशन रहते रहेंगे आप एक पर्सन को देखते रहेंगे या तो टीचर होगी या तो आपके सीनियर हो गए स्टैंडर्ड टेंथ या नाइन्थ का स्टूडेंट होगा वो हमें सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि फंक्शन में क्या क्या होने वाला है अभी क्या होने वाला है इसके बाद कौन सी चीज़ होने वाली है तो क्या हम बैठे हुए जो इन्जॉय कर रहे हैं फंक्शन को हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है फंक्शन देखने के लिए तो आई होप इस चैप्टर से आप सीखे होंगे कि किस तरह से हमें एक प्रोग्राम को कंपेयर करना चाहिए और आगे के फंक्शन में आप ट्रूली पार्टिसिपेट करेंगे ऑल्सो आपने इस चैप्टर में देखा रहेगा कि अगर इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं तो कंपेयर जो भी इंस्ट्रक्शन दे रही है जो भी सीक्वेंस बता रही है इवेंट का तो कैसे फॉर्मल और पोलाइट लैंग्वेज में हमें बता रही है तो ये चीज भी आपको देखना ज़रूरी है ये सारे वर्ड्स जो थोड़े से डिफिकल्ट है आपके लिए इसके मीनिंग को बराबर से समझिए और ऐसे पोलाइट लैंग्वेज एक ऑफिशियल इवेंट में हमें यूज करना चाहिए ये भी ध्यान में रखिए आप आई होप इसी के साथ ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अब ये चैप्टर कितना समझा होगा ये किस चीज पे डिपेंड करता है आपके टेस्ट के स्कोर पे आई होप आपको याद होगा कि हम अपने हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट करते हैं आपको थ्री स्टेप्स फॉलो करना है फर्स्ट स्टेप क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक को फाइंड करना सेकेंड वो लिंक को क्लिक करेंगे आप तो आपको एक टेस्ट खुलकर सामने आएगा अपनी इंफॉर्मेशन फिल करना है और क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर्स सिलेक्ट करना है टेस्ट होने के बाद आपको सबमिट बटन क्लिक करना है और देखना है कि आपने कितना मार्क्स स्कोर किए हैं उसके बाद जितने मार्क्स भी स्कोर किए हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख देना है जो भी स्टूडेंट्स फुल मार्क्स स्कोर करता है उनमें से रैंडमली हम लोग एक स्टूडेंट को पिक करके उसे नेक्स्ट वीडियो में आउट देंगे ठीक है बच्चों इन द नेक्स्ट वीडियो स्टडी लेसन थ्री पॉइंट थ्री अक्रो इन द हाउस If you understood the chapter, like the video and share it with the school and tuition friends and subscribe karo next videos kyri. With this we end this video. Stay safe and continue learning with Shake Academy. See ya.